देश का संविधान बदलना चाहती है मोदी सरकार, एनसीपी नेता शरद पवार का आरोप। संविधान में हमें परिवर्तन करना है और परिवर्तन करना हो तो मोदी साहब को मदद करो। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी में जुट गए हैं। मुंबई में आयोजित एक इफ्तार पार्टी में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कई मंत्री लोगों से ये कहकर वोट मांग रहे हैं कि मोदी को जिताओ, क्योंकि उन्हें संविधान में परिवर्तन करना है। ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। हमारे साथी आप सभी को दावत दिए, इस दावत का स्वीकार आप लोगों ने किया। मेरे पहले जो साथी जिन्होंने कुछ शब्द आपके सामने रखे, मैं कोई ज़्यादा राजनीतिक बात करना नहीं चाहता, मगर एक बात सच है कि देश में भाईचारा रखना हो, देश में एकता रखने हो, तो इस देश के संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। ये कहने की कभी स्थिति इस मुल्क पर आती नहीं थी, मगर आज जिनके हाथों में देश की हुकूमत है, उन्हीं लोगों के साथ उनके साथियों ने आजकल कई जगहों पर जो बातें कही, ये बातें सुनने के बाद मेरे जैसे आदमी को चिंता लगती है। उन लोगों ने कहा कि देश के संविधान में हमें परिवर्तन करना है और परिवर्तन करना हो तो मोदी साहब को मदद करो। आप भारत के आसपास के देशों की स्थिति देखेंगे, शांति जहाँ है वहाँ चिंता नहीं, और हम लोगों ने कभी न कभी देखा कि हमारे पड़ोसी देशों में वहाँ की हुकूमत ने प्रजातंत्र को खत्म किया और देश की हुकूमत कोई आदमी हो या और कोई हो ऐसी शक्तियों के हाथ में दी। ये स्थिति देश से कभी पैदा नहीं होनी चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने लोगों को रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस पाक महीने में आप सभी लोगों की सच्ची ईद 20 मई को होगी, जिसका आप सभी को ख्याल रखना है। पवार साहब की एक खासियत है, इतने बुजुर्ग नेता मुझे नहीं लगता आज हिंदुस्तान में है, इतना अनुभव संपन्न नेता आज हिंदुस्तान में कोई नहीं है, और उनके मार्गदर्शन पर हिंदुस्तान की हर कौम, हर किसान, हर कामगार यही चाहता है कि देश को एक अच्छी सरकार मिले। और मैं चाहता हूं कि आदरणीय पवार साहब ने जो प्रोग्राम आयोजित किया और मुझे बुलाकर सम्मानित किया, उसके लिए धन्यवाद अदा करता हूं। इस मौके पर एनसीपी सांसद फौजिया खान, मुंबई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड़, एनसीपी प्रवक्ता नरेंद्र वर्मा, मुंबई एनसीपी की अध्यक्ष राखी जाधव समेत कई दूसरे नेताओं ने लोगों को संबोधित किया। दरअसल इस रोज़ा इफ्तार का इंतजाम एनसीपी मुंबई के माइनॉरिटी विभाग के अध्यक्ष सुहेल सुबेदार ने इस्लाम जिमखाना मरीन लाइन्स में किया था, जिसमें कांग्रेस के नेता अमीन पटेल, एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी और निज़ामुद्दीन राइन, एनसीपी नेता नसीम सिद्दीकी, शिवसेना के नेता सचिन आहिर और संजय दीनामामा पाटिल, सपा के नेता रईस शेख, अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट पद्मश्री डॉक्टर जहीर काजी खास तौर से मौजूद थे। इफ्तार पार्टी मेरे ख्याल से शरद चंद्र पवार जी ये आज 40 साल से कर रहे हैं, तो वही परंपरा चल रही है और वो परंपरा को देखते हुए जो समाज है, समाज को पवार साहब पे बहुत भरोसा है, तो लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बट मुझे यकीन है पवार साहब के जो विचार है उनको मानने वाले लोग हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए किसको आप जो है अपना
क्रेडिट देना चाहेंगे कि अरे भेजना तेरे हिसाब से पूरा भेज दे, इतना शानदार प्रोग्राम किया। आज के प्रोग्राम का पूरा क्रेडिट मेरे जो पूरी टीम है, मेरे जो पूरे जिला अध्यक्ष है, मेरे बॉम्बे की टीम है और बाकी जो मेरे साथी है, ये सब उनके ऊपर जाएगा क्योंकि उनके उनके वजह से ये मेरा सक्सेसफुल हुआ प्रोग्राम। इस रोजा इफ्तार कार्यक्रम की शुरुआत नात पाक से की गई। कभी नात उनकी सुना कर तो देखो, मदीने बुला लो मुझे तैबा वाले, मदीने बुला लो मुझे कमली वाले। इस कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार फारूक सैयद द्वारा किया गया। राजेंद्र यादव के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।